मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंबाला रैली में आना रद्द किया तो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस हार रही है, यह उन्हें पता लग गया है, इसलिए उन्होंने रैली में आना रद्द कर दिया। वहीं कुमारी शैलजा गुट को इसमें निमंत्रण न देने पर विज ने कहा, यह एक गुट का कार्यक्रम था, पूरे हरियाणा में यही चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का आज अंबाला कार्यक्रम था, लेकिन वो कार्यक्रम रद्द हो गया, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, वो उनको ये रिपोर्ट चली गई है कि यहाँ से कांग्रेस सारी सीटें हारने जा रही है, तो फिर ऐसी जगह पे तो वो आना नहीं सकते, क्योंकि वो शर्मिंदा नहीं होना चाहता है, फिर लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। इस कारण से उन्होंने रिपोर्ट आने के बाद अपना दौरा कैंसिल कर दिया। जो शैलजा गुट के उम्मीदवार खड़े हैं उनको निमंत्रण नहीं दिया गया इस रैली का, इसको कहते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, भिन्न भिन्न धड़ों का समूह है, ये एक धड़े का प्रोग्राम था, दूसरे धड़े का नहीं था, तो ये तो सारे हरियाणा में हो रहा है, और सारे हरियाणा में अलग अलग धड़ों ने अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं और एक दूसरे को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो सर, कल देखा गया किसानों ने जो है आपका रास्ता रोका, कार्यक्रम में जाने से रोका गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अरे, किसान नहीं थे, मेरा कल गरनाले में प्रोग्राम था, हमने बकायदा चुनाव आयोग से उसकी परमिशन ली हुई थी, तो कांग्रेस के वर्कर वहां पर, कांग्रेस का सरपंच वहां पर, मैं एक एक को जानता हूं, और आसपास के दो गांव के और लोग, सारों की वीडियो भी बनाई है और हमने सारों का पहचान भी कर लिया, वो भेष बदल कर गुंडागर्दी पर उतर आए, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है और गुंडागर्दी से कांग्रेस का पुराना रास्ता रहा है। पहले भी इस शहर ने गुंडागर्दी देखी है, यहां लोगों की प्रॉपर्टियां कब्जे कर रहे हैं, मकान कब्जे कर रहे हैं, दुकानें कब्जे कर रहे हैं, मार पिटाइयां हो रही हैं, और कोई ऐसी बदमाशी नहीं जो ना की हो, एक कत्ल के केस में भी कई बार केस नाम लिया जाता है, तो पूरी तरह से हार चुके हैं, बुखला चुके हैं, और बुखलाया हुआ आदमी इसी प्रकार का। अंबाला कैंट से आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है, जिस पर विज ने कहा, यह लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा अंबाला शहर में तो नाराज नेताओं को मनाने आए, लेकिन कैंट में नहीं आए, इससे सारा विश्लेषण किया जा सकता है। अब ये उनके कांग्रेस पार्टी का अंदर का मामला है, और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये इस प्रकार के ढंग करते हैं। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए अंबाला शहर में मनाने के लिए, तो अंबाला कैंट में मनाने के लिए क्यों नहीं आए? कोई बॉर्डर लगी हुई है? आप इससे विश्लेषण कर सकते। कांग्रेस ने भाजपा पर उनका मैनिफेस्टो चोरी करने का आरोप लगाया है, जिस पर विज ने कहा, कांग्रेस के कई नेता हमारे यहाँ माथा टेकने आए थे, हो सकता है उन्होंने छपवा दिया हो, हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो चोरी नहीं किया, उन्होंने हमारा मैनिफेस्टो चोरी किया है। नहीं नहीं, देखिए, 10 साल हमारा राज रहा है, और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो इसके खिलाफ है बात, कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता हमारे दरबार में माथा टेकने के लिए हमारी सरकार के पास आते, हो सकता है किसी ने कुछ सुन लिया हो और जाके छपवा दिया हो, हमने कॉपी नहीं किया, कांग्रेस ने हमारा मैनिफेस्टो चोरी किया है। तो सर, कांग्रेस के लगभग उम्मीदवार अपने हलकों में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, और गांव वाइज जो नौकरियों का कोटा है वो बांटने की बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का कल्चर है, लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, नौकरियों की मंडियां लगाते हैं, तबादलों की मंडियां लगाते हैं, वो तो शर्म कह रहे हैं। मैंने एक उम्मीदवार का, कांग्रेस के उम्मीदवार का मैंने वक्तव्य सुना है, वो कह रहा बिना बदमाशी के और बिना स्कैम किए तो राज चल ही नहीं सकता। अब ये तो लोगों को फैसला करना है कि लोगों को स्कैमर्स चाहिए या देश को आगे बढ़ाने वाले चाहिए।